सो वी हैव टू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अंडर रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। सो एक काम करिए, आप इसमें देखें ध्यान से, तो 10x का जो स्लोप होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। सो आप 10x को t कंसिडर कर लीजिए। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस टर्म को, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। सो आपका इंटायर क्वेश्चन जो है वो t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के प्लेस पर जो आपको ये दिख रहा है, आप dt मेंशन करेंगे। इन प्लेस ऑफ 10 आप यूज करेंगे t, तो आपको t स्क्वायर और 4 को आप कन्वर्ट कर दीजिए 2 का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये लिखा है dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, बट ये t के फॉर्म में, ये x के फॉर्म में। सो आप पूरा इंटीग्रेशन जो करेंगे वो t के फॉर्म में करेंगे। सो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस अंडर रूट t की पावर 2 प्लस 4। अब आपने t अब सॉल्व करने के लिए लिया था, आप यहां से t को हटा दीजिए और t के प्लेस पर आप 10x यूज करेंगे। तो जैसे ही आप log 10x प्लस अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 4 करेंगे और प्लस का c, तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फंक्शन एंड स्लोप का कॉन्सेप्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।